फिफ्थ क्लास, आप सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं और आप अब रिजल्ट के बाद अपने नए स्कूलों में चले जाओगे, ठीक है? Yes, तो आज जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। मैंने लिखा है, मैं अपना या अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि डैश। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस, एक वाक्य में अपने अपने अंदर की खासियत लिखनी है कि मैं अपनी फेवरेट क्यों हूँ। जैसे कि हम सभी के फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, एक्टर होते हैं ना, कोई हमें अच्छा लगता है तो हम खुद को भी अच्छे लगते हैं। yes, तो हमें अपनी क्वालिटीज पता होनी चाहिए। yes, तो आपको अपनी क्वालिटी यहाँ पे लिखनी है कि आप अपने फेवरेट क्यों हो, यानी कि आप में क्या अच्छाई है। लिखोगे? yes, लिखना स्टार्ट करो आप भी और मैं भी लिखती हूँ। एक मिनट के अंदर लिखिए। अभी मैं एक बच्चे के पास आऊंगी और उनसे लिख लूंगी और उसने जो लिखा है वो पढ़ूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपना पढ़ रही हूँ। मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मैं अपने बारे में ये अपनी खासियत मानती हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को जैसी मैं पहले थी उससे और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? चलो साक्षी आप दिखाओ आपने क्या लिखा है। साक्षी ने लिखा है, मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनों से बड़ों का आदर करती हूँ और मैं बहादुर हूँ। क्लैपिंग करो। अरुण ने लिखा है, मैं अपना फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। क्लैपिंग कीजिए। सच लिखना है, झूठ नहीं लिखना। रजनी ने लिखा है, मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत, आगे क्या लिखना चाह रहे थे, बहुत बहादुर हूँ। क्लैपिंग। वंशिका ने लिखा है, मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं खो खो अच्छा खेलती हूँ। सिर्फ एक ही चीज अच्छी है आपके अंदर, वो भी खो खो। अपनी क्वालिटीज में चाहता बच्चों, मैं अपना फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं और मैं सभी का आदर करता हूँ। वेरी गुड। मैं अपना फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं बड़ों का आदर करता हूँ। गुड। मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं सभी की मदद करती हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। वेरी गुड। मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं बड़ों का आदर करती हूँ। मैं अपनी फेवरेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं खेलने में बहुत अच्छी हूँ। अपनी क्वालिटीज लिखी, पर आपके अंदर इनसे भी ज्यादा और कोई अच्छी क्वालिटी हो सकती है। मेरे हिसाब से जो आपने लिखी है ये आपकी बेस्ट क्वालिटी नहीं है, ठीक है? क्वालिटीज हैं आप में से, आपके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, पर ये वो गुण नहीं है जो आपको आपका फेवरेट बना दे। या सिर्फ खो खो खेलने से आपको अपने आप अच्छे लगने लग जाते हो, नहीं ना? तो कोई और अच्छी क्वालिटी भी आपके अंदर हो सकती है जो आपको पहचाननी है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पूछूंगी मैं आपसे। yes,